पर मंच पर उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्थान आदरणीय अजय कौल सर, प्रशांत सर, सतीश जी और मंच पर उपस्थित सभी लोग और यहाँ पर उपस्थित तमाम बहनों भाइयों और अभी अभी जो मालखम का प्रदर्शन किया ऐसे बच्चों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज स्पोर्ट्स डे इवेंट के अवसर पर अजय सर ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसे व्यक्तिमत्व जो इस वर्सोवा की नहीं एक मुंबई की शान है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या फिर देश भर में कभी भी कोई आपदा आए तो उसमें हमने हमेशा देखा है कि हमारे अजय सर सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मदद का हाथ उनका हर किसी के लिए, समाज के हर उस घटक के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, ऐसे आज अजय सर हमारे यहाँ पर इस स्कूल का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सब समय समय पर उनसे राय मशवरा करते हैं कि समाजकरण राजकारण में आदमी आगे कैसे काम करे। सर, आपके साथ समाज का हर घटक, हर पार्टी का नेता आपके साथ खड़ा है, उसके पीछे का एक कारण है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ रहा था, लेख का इतिहास का उस पन्ना पढ़ रहा था कि टीचर, शिक्षक, शिक्षक माने क्या, शिक्षक समाज को गढ़ने का काम शिक्षक करता है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर इस देश का युवा मजबूत होगा तो देश प्रगति करेगा, और उस युवा का जतन गढ़न करने का अगर कोई काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक करता है। और जैसे आपके स्कूल में जिस प्रकार से बच्चों की परवरिश हो रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके स्कूल से निकला हुआ एक एक विद्यार्थी समाज के अलग अलग कोणों में बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति होगा, अलग अलग जगहों पर अच्छा काम कर रहा होगा। एक शिक्षक चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इतिहास में देखा गया है कि अगर कोई भी क्रांति हुई है तो उसके प्रणेता हमेशा शिक्षक ही रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे देश के युवा आइकन अगर कोई है तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, और स्वामी जी ने उस काल में कहा था कि देश का भविष्य इन युवाओं के हाथ में है, और अगर हमारा युवा सशक्त होगा, स्वस्थ होगा, तो अपने देश का भविष्य भी स्वस्थ होगा। और इसीलिए उन्होंने हमेशा आग्रह किया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का युवा फील्ड पर हो, व्यायाम करे, कसरत करे, ताकि वो स्वस्थ रहे। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो देश भी स्वस्थ रहेगा, देश भी प्रगति करेगा। सर, जैसे आपने स्पीच के दौरान आपने कहा कि अजय सर के साथ जो 2 महीने से चल रहा था, सर अगर उसके बारे में अगर कुछ बात करना चाहे आपकी। मैंने भाषण में कह दिया था मुद्दे लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। और मैंने आपको चाणक्य की कहानी भी सुना दी थी कि शिक्षक के गोद में प्रलय और प्रगति दोनों खेलते हैं। तो प्रगति चाहिए तो आशीर्वाद लीजिए, और प्रलय चाहिए तो पंगा लीजिए। शिक्षक हमेशा तैयार है, आज तक की हर क्रांति का प्रणेता शिक्षक ही रहा है। समाज को गढ़ने वाले को अगर आप तोड़ना चाहोगे तो हो नहीं सकता, हम सब उनके साथ हैं। अजय सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे आपको सर 2 शब्द कहने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। अनुप भाई से भी पूछेंगे सर पहले, अगर आप अनुप भाई बताइए क्या कहना चाहेंगे। स्पोर्ट्स समिट है यार, बहुत अच्छा मौका है, और 41st एथलेटिक मीट है। CWC स्कूल वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल अपने अंधेरी वेस्ट और बॉम्बे का है, और कई सालों से अजय सर हैज़ बीन डूइंग दिस, सोशल सर्विस करते हैं साथ में। और स्पोर्ट्स मीट इसीलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे इस साल इंडिया ने 2023 में ओलंपिक में 107 मेडल जीते जिसमें से 28 गोल्ड थे, जो हिस्टोरिक हुआ है। तो ये इसी में से हमारे नौजवानों में से, बच्चों में से यही लोग आगे जाके
ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएंगे और एक प्रोत्साहन का मौका है, तो लेट्स सेलिब्रेट दिस। थैंक यू सो मच। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बहुत सारे बच्चे यहाँ से जाएंगे। नथिंग, माय गेस्ट हैव ऑलरेडी एडेड। ओके सर, थैंक यू सो मच।